क्या रहा कबीर सिंह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्वागत तो करता हूं दोस्तों आपका आपके फेवरेट चैनल की एक और नए वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी फिल्म 2019 की जो कबीर सिंह थी दोस्तों कबीर सिंह एक ऐसी लव स्टोरी है जो शायद हर साल हमें देखने नहीं मिलती इस मूवी में हमें नजर आए हैं शाहिद कपूर और क्यारा आडवाणी दोस्तों इस मूवी ने सिर्फ छह दिनों में 120 करोड़ का कलेक्शन आसानी से कर लिया था खास बात है कि 60 करोड़ की बनी इस बजट की फिल्म ने 100 प्रतिशत से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया है एग्जैक्ट फिगर की अगर हम बात करें तो फिल्म ने 16.18 लाख यानी कि 60 करोड़ और 18 लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लू तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉक बस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस. तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला. इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस. वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके ऑपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्र में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर इस ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर पंडितों माने तो मूवी यही दसवें का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं। ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर आरोप इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीज तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीज की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के कास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजिशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रूपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर, वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नजर आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टारकास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा। जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीज तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूं इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके ऑपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नजर आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूँ तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज़्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के उच्च पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर आरोप इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की सिक्सटीन पॉइंट फाइव करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था ट्वेंटी टू करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है एटी एट पॉइंट जीरो टू करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लू तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5 4.7 और 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी थी दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं। ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉक बस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीज तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लूँ इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नजर आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने, तो मूवी यही दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की सिक्सटीन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था ट्वेंटी टू करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है एटी एट पॉइंट जीरो टू करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी की उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लू तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी की उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा। जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग दो सौ करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजाकर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों 60 करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों यह है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5 4.7 और 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी थी दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के उच्च पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी की उनके करियर में का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर आरोप इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नजर आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टारकास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5 4.7 और 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी थी दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉक बस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस. तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला. इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस. वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के और दोस्तों सकते हैं की मूवी है जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने, तो मूवी यही दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं। ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लू तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजिशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यो सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वहीं इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके ऑपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नज़र आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मज़ेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज़्यादा मात्रा में पसंद आई थी वहीं पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ सिर्फ 50 करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लू तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कैस्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग 300 करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वहीं दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी की उनके करियर में मिल का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है न सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यो सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा। जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी यो सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें, तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को चार करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कैस्ट की बात कर लूँ इस मूवी में हमें नज़र आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नज़र आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कास्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूँ तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टार कास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के कम्पेरिजन और दोस्तों कबीर सिंह की बढ़ोतरी को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5 4.7 और 4.8 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी थी दोस्तों यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर असली ज़िंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के उच्च पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दे कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है साठ करोड़ और अठारह लाख रुपए का मुनाफा प्रॉफिट अपने नाम कर चुके हैं वहीं अगर थ्रेड पंडितों की माने तो मूवी यही दसवें दिन तक 200 करोड़ का मुनाफा अपने नाम कर देगी और दोस्तों इस मूवी ने रिलीज होते ही काफी सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स चित कर दिए हैं यानी कि पहले से जो रिकॉर्ड्स थे उन सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए हैं कहने का मतलब है नए रिकॉर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सेट किए हैं ये कबीर सिंह मूवी शाहिद कपूर के करियर की अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग वाली और सबसे बड़ी जिस मूवी ने प्रॉफिट कमाया है शाहिद कपूर के करियर में सबसे बड़ी मूवी साबित हुई है ये उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई है ना सिर्फ ये शाहिद की पहली सौ करोड़ी बल्कि ये शाहिद कपूर की पहली सोलो मूवी बन चुकी है जो सिनेमा घरों के बड़े पर्दों पर ब्लॉकबस्टर से भी ऊपर साबित हुई है रीमेक होकर भी कबीर सिंह को लोग पसंद कर रहे हैं इसे शाहिद कपूर और फिल्म के निर्देशक की जीत माना जा सकता है साल 2019 में जितने भी फिल्म रिलीज हुए हैं उनमें से अभी तक सात फिल्मों ने मुनाफेदार लिस्ट में अपना नाम बनाया है जिसमें अब कबीर सिंह भी ऊंचे पायदान पर बैठी हुई है देखना दिलचस्प होगा कि ये कबीर सिंह मूवी यू आर आई सर्जिकल स्ट्राइक को पीछे करके इस मूवी के आगे निकल पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में देखना दिलचस्प रहेगा जनवरी में रिलीज हुई विकी कौशल की मूवी उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी तक कोई मूवी पीछे नहीं कर पाई है सलमान खान की भारत भी उरी को पीछे करने में असफलता पूर्वक पीछे रह चुकी है यू आर आई ने टू हंड्रेड फोर्टी फोर टू हंड्रेड फोर्टी फोर करोड़ की कमाई आसानी से कर ली थी 2019 की मुनाफा कमाने वाली मूवीज को अगर हम एक बार नजर डालें तो उरी का नंबर वन नाम आता है यू आर आई को बनाया गया था 25 करोड़ के बजट पर वही इस फिल्म ने 244 करोड़ रुपए की कमाई की थी ताशकिन फाइल्स इस मूवी को 4 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और इस फिल्म ने कमाई की 16.75 करोड़ ऑफ रुपीस. तीसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला इस फिल्म का बजट था 22 करोड़ रुपीस. वही दोस्तों इस फिल्म ने मुनाफे के साथ कमाई की है 88.02 करोड़ रुपीस की चौथे नंबर पर है कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक कॉमेडी फुल मूवी जिसे 2019 के मार्च में रिलीज किया गया था और इस मूवी को बनाया गया था लगभग 25 करोड़ के बजट पर और फिल्म ने कमाई की 94.62 करोड़ रुपीस की दोस्तों इस मूवी की अगर मैं स्टार कास्ट की बात कर लू इस मूवी में हमें नजर आते हैं कार्तिक आर्यन उन्हीं के साथ हमें उनके अपोजिट रोल निभाने वाली यानी कि इस फिल्म की फीमेल लीड हीरोइन के तौर पर हमें कृति सेनोन नजर आती है दोस्तों सपोर्टिंग करते हुए हमें इस मूवी में अपार शक्ति खुराना भी नजर आते हैं और वैसे तो दोस्तों मूवी बहुत कॉमेडी है बहुत मजेदार है मुझे तो ये मूवी बहुत ज्यादा मात्रा में पसंद आई थी वही पांचवे नंबर पर है अपना गली बॉय जो बनाए गए थे सिर्फ, सिर्फ पचास करोड़ के बजट पर और इस मूवी ने कमाई की थी लगभग 200 करोड़ से इस मूवी की स्टार कैस्ट की अगर बात कर लूँ तो इस मूवी में हमें नजर आएंगे रणवीर सिंह और उन्हीं के साथ ऑपोजिट फीमेल लीड का रोल निभाते हुए आलिया भट्ट दोस्तों अगली मूवी की बात करूं तो केसरी इस मूवी को जो एक एक्शन रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड मूवी थी इस मूवी के स्टारकास्ट थे हमारे पाजी अक्षय कुमार इस मूवी को लगभग 50 करोड़ के बजट पर बनाया गया था और मूवी ने आसानी से 200 करोड़ का आंकड़ा बस यूं ही चुटकी बजा कर पार कर दिया था और दोस्तों इस लिस्ट में सातवें नंबर पर हमें नजर आता है कबीर सिंह का नाम जो शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी की पहली फिल्म थी दोनों को एक ही फिल्म में एक ही पर्दे पर काम करना पड़ा था और उनका ये साझेदारी बहुत लोगों को बहुत पसंद आई थी कबीर सिंह को लगभग बनाया गया था दोस्तों साठ करोड़ रुपए के बजट पर इस फिल्म ने लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक कमा लिया है तो दोस्तों ये है इस साल की अब तक टॉप पर चल रही फिल्मों के कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के और दोस्तों कबीर सिंह की को देखकर हम यही कह सकते हैं कि मूवी जल्द ही अपने सातवें पायदान से उठकर ऊपर और ऊंची उड़ान भरने के लिए रेडी लग रही है जिस तरह से इस मूवी को दर्शकों का प्यार मिल रहा है उस तरह से अगर हम कहेंगे तो मूवी जरूर ही टॉप थ्री पोजीशंस पर अपनी जगह अपनी पकड़ बनाकर रख लेगी। दोस्तों इस मूवी को भी क्रिटिक्स ने अपने थम्स अप करके 4.5, 4.7 और 4.8 आउट ऑफ तो फाइव की रेटिंग दी थी दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिटिक्स तो मूवीज को सिर्फ रैंक करते हैं क्रिटिक्स तो मूवीज़ को सिर्फ पॉइंट्स देते हैं लेकिन यहाँ पर जिंदगी में क्रिटिक्स हम हैं यानी कि पब्लिक जो भी मूवी को देखने जाती है ऑडियंस अगर ऑडियंस को मूवी पसंद आती है हालांकि कुछ ऑडियंस को मूवी पसंद नहीं आती है लेकिन ऑडियंस को मूवी ज़्यादातर अगर पसंद आती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों मूवी ब्लॉक होगी ही हो होगी लोग उस मूवी को देखने जाएंगे ही जाएंगे इसी कारण से मूवी ब्लॉकबस्टर होती है बॉक्स ऑफिस पर और मुनाफा भी बॉक्स ऑफिस पर उतना ही ज्यादा बढ़ता है कहने का मतलब है असली क्रिटिक्स हम है यानी कि पब्लिक जनता जो मूवी को ब्लॉकबस्टर और बहुत बड़ी बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत और रोल निभाते हैं अब दोस्तों देखना दिलचस्प रहेगा कि कबीर सिंह कितने दिन और लेते हैं कि इस मूवी को लिस्ट के ऊंचे पायदान पर ले जाने के लिए वही दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि ये शाहिद कपूर की जिंदगी के उनके करियर में का पत्थर साबित हुई है कहने का मतलब है ये उनकी फिल्मों में एक ऐसी पहली फिल्म बन चुकी है जो बिगेस्ट ओपनिंग करके बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई है